सारिया ने चंडीगढ़ का नाम सुनया तो सारे पता है कि एक सुंदर शहर है। जिहड़ा भी चंडीगढ़ जाता है तो वह जी लगता है क्योंकि हरियावल है उत्थे बहुत ही सुंदर शहर है और डिजाइन किया गया। पर पंजाब का एक होर चंडीगढ़ है जिहड़ा अज तुहानू असीं दिखावांगे। उस चंडीगढ़ के मुकाबले जदों इस चंडीगढ़ नू देखोगे तो हैरान हो जाओगे कि एक इस तरह का चंडीगढ़ भी पंजाब दे विच है। मैं अपने साथी नू कहांगा कि वह तस्वीरां दिखावे इस चंडीगढ़ दीआं। ये चंडीगढ़ बस्ती कहा जाता है इसनों। बहुत ही गरीब घरां दे लोग इस चंडीगढ़ बस्ती दे विच वसदे आ। तुसीं देख सकदे हो कि किवें मीह दे मौसम विच वी ते अगे पिछे वी ये पिंड दी फिरनी छप्पड़ दे रूप विच बणी रहिंदी है। पिंड के जिहड़े घर ने इत्थे उत्थे काफ़ी पक्के मकान भी नज़र आ रहे होणगे भावें, पर नाल ही तुहानू दिखावांगे कि झुग्गियां झोंपड़ियां च रहिण लई भी मजबूर है। ये पंजाब दा ही एक जिहा पिंड है जिला फाजिलका दे विच पैंदा है और बॉर्डर पाकिस्तान भारत का जिहड़ा बॉर्डर है उस तों इह 10 तों 12 किलोमीटर की दूरी पर वसिया होया नवीं चंडीगढ़ जिहड़ी बस्ती है। और असीं होर घरां दे विच जाके गलबात भी करांगे, तुहानू दिखावांगे कि की हालात ने इन्हां घरां दे और तुसीं हैरान होवोगे। परिवार के मैंबर बैठे उन्होंने गल करते हैं कि किवें गुजारा, क्योंकि तुम देख सकते हो कि एक झुग्गी झोंपड़ी के नाल इन्हां दा गुजारा चल रहा। तो तुहाडे कोल होर कोई मकान नहीं है रहन? मकान तो है नहीं जी। हाँ जी, अइयो झुग्गी हैगी है, अइयो थां हैगा। कितने साल तो रह रहे हो इत्थे? इत्थे हैगे हां जी, अपने 7-8 साल तो हैगे हां जी। तां अच्छा, ते इत्थे कोई सुनाई नहीं हैगी जी। ठीक है, इदां ही पानी आंदा, इदां ही सारा शहर का पानी आंदा है। तो सारा शहर का पानी इधर जांदा सेमनाली पासे, उधर वापस फिर आने लग जांदा है। सेमनाली भरी जांदी है तां दरखास्त नहीं दित्ती, फार्म नहीं भरिया? मकान बनाने सर जी भी मकान असीं फार्म भर भर के दिते होए जी। जिन्ने साल हुंदे आ जिहड़े सरपंच बनदा जिवें बनदा हर साल नूं दिंदे आ जी, अजे तक सुनाई कोई नहीं होई जी। ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਹੂਲਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਵੀ ਇੱਧਰ ਨਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਮਿਲਦਾ? ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਟੂਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦਾਂ ਟੂਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਦਾ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਘਰ ਬਾਰ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਹੋਵੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਅੱਗ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਪਾਣੀ? ਮੱਛਰ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੱਛਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਸਨਾ ਗੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ। अच्छा, सरकारी च पढ़ते हैं? किन्ने बच्चे है तुहाडे? 3 बच्चे है जी। अच्छा, 2 गुड़ियां हैगी, वो सरकारी पढ़दी हैं जी, एक मुंडा है वो अपने दूजे सरकारी अपने मंडी वाले च लग्गिया जी, उत्थे पढ़दा जी। असीं इस घर दे हालात दिखाए आ, होर घरां दे नाल होर परिवारक मैंबरां दे नाल भी गलबात करांगे कि किवें जी रहे आ अपनी जिंदगी, क्योंकि तुहानूं दस्सिया कि एक ओह चंडीगढ़ है जिहड़ा बड़ा चमकदा है दमकदा है और एक इह आ जिथे लोकां दे हालात इस कदर बने हुए ने। चंडीगढ़ का एक होर अजिहा घर तुहानू दिखाउने आ जिथे हैंडीकैप्ड स्पैशल चिल्ड्रन का दर्जा दिता जाता है भारत सरकार के वलों। वो अपने हाथी किवें किरत करके अपने घर आ जिहड़ा जिवें चिड़ियां बनाउंदियां अपना आलना वो लगे हुए आ, उन्होंने गल करते हैं। बाई जी, तुसीं इन्नी मेहनत दे नाल इन्ने औखे हो के भी घर बना रहे हो, बहुत मजबूरी है। हाँ जी, ये सही गल है तुहाडी जी महाराज, ये तुहाडी सही गल है। इहो जे मजदूर असी इस तरह आपदी कुल्ली बना रहे हैं जी, मजबूर हो के बनानी पै रही है जी। उत्तों पानी की भी कमी है जी, पानी असी उत्थों भर के लाने फाटकों जी। ठीक है जी, पानी की भी कोई टूटी नहीं लग दी, तो लाइट की भी प्रोग्राम हैगी है, लाइट भी है नहीं, असी रात नूं पक्खे थले सोने नहीं। ठीक है जी, मंजे ते पै रहे हैं, मच्छर वड़दे है। ठीक है जी, ये भी साड़ी मजबूरी हैगी, असी किसी जिन्हों वोट देने साड़ी सुनाई नहीं करता। ठीक है, मुख फेर के लंघ जाता है जी। शायद किसी ने सोचा भी नहीं होना कि पंजाब विच भी इस तरह का पिंड वसदा, पर तुसी बड़ी मेहनत दे नाल इन्ने औखे हो के किसी कोई अपील नहीं की कि मेरा घर नहीं है, मेरी कुल्ली नहीं है,
जी की बड़े जना को की पर उन्होंने सुनाई नहीं की। असी घर भी दिखाए उन्होंने लिया लिया के पर वो ता इस तरह मुख फेर के बोटा लेके मुड़ जाते हैं फिर नहीं आते। वोट हर साल पाने हर साल पाई दी है जी वोटा हर साल साढ़े पूरे परिवार पाँदे है हाँ साड़ी मासी का घर है यह सारे असं वोटा कट्ठे रल के पाने पर साड़ी सुनाई नहीं आती। तो तुहानू जिहड़ा हैंडीकैप्ड भी हो कोई भत्ता मिलता है जिहदे नाल घर का गुजारा हो जाता है? जी नहीं वह भी नहीं मिलता। मैं पिंडा दे विच जाना कोई आटा दाना मांग के लियाना उहदे नाल गुजारा अपना हुंदा है। ते चार भैणां हैगियां मेरिया न्याणियां उन्हां दा टिड मैं इस तरह पा रहा मांग के गुजारा कर रहा। मेरी पिलसन जिहड़ी लगी सी वह भी नहीं मिलती वह भी बंद हो गई है। किन्नी मिलती सी वैसे जदों मिलती सी? जी अगे मिलती सी 250 मिलती फिर 300 मिलन लगी सी उस तो बाद मैं फिर दोबारा नहीं मिली। ते बच्चे जिहड़े तुहाडियां भैणां दी गल कीती है पढ़ाए भी नहीं गए होणे कि पढ़दे आ? जी पढ़ते सी फिर मजबूरन निकलना पिया हुण कित्थों फीस कित्थों भरीए जी असीं आप मजबूर हैगे आ कित्थों फीस भरीए। माफ करना मैं तुहाडा काम विच आके रोकिया पर दिखाउणा बणदा सी कि तुसीं किवें मेहनत कर रहे हो तां कि पता लगे सरकारी दरबारे कि तुहानूं भी लोड़ है। ठीक है जी धन्नवाद तुहाडा भी जिहड़ा साडी है इस तरह सेवा हाजिर कीती। नहीं ये साडा फर्ज बनता है तुहानू दिखाया कि किवें ये गरीब लोग अपनी कुल्ली बनाउण लई हैंडीकैप्ड होण दे बावजूद भी अपनी मेहनत दे नाल अपनी कुल्ली बना रहे हैं तां कि छत होवे कोई मीह कणी तो बचा जा सके। उन्होंने गल की है कि परिवार दे विच भैणां ने छोटियां मासूम उन्हां दी पढ़ाई भी छुट गई है। इस तरह के हालात जदों देखते हैं तो सानूं साफ तौर पर कुछ भी होर शब्दों के बयान करन दी लोड़ नहीं रहिंदी। तुसीं अपनी अखी देख लिया कि किन्ने औखे ने इत्थे दे लोग। असी हुण होर पासे भी चलते हैं जिथे तुहानूं दिखाउने हैं कि किवें पिंड दे लोग है जिहड़े औखा औखे तो औखा हो के गुजारा कर रहे हैं। आ बीबी जी भी खड़े उन्हां नाल गल करदे हैं कि तुहानूं फिर पता लगूगा इन तो ऐ नहीं पता लगना आ जाओ घर मैं तुम दिखानी आ ना आ जाओ आ जाओ मैं थोड़ा पता लगूगा आ जाओ आ जाओ। इत्थे रहने 10 जी रहने 3 गुड़ियां 2 बीमार ने गुड़ियां इलाज करांदियां हां जी कुछ नहीं घर वाला नहीं हैगा हां जी कुछ नहीं हैगा घरे कख भी नहीं हैगा कख भी अंदर जाके देख लो पाटिया पियागा ए काका कल आया ए सामान अंदर रखिया मैं कहा पुत्र तू बाहर रख दे सामान तेने आखा अंदर रख दिता मर जावांगे ओ चंगा हैगा ऐ करके दुखी होके ए सामान रखियागा घर दी हालत देख लो बच्चे गुड़िया बीमार है घर वाला कैंसर होके मरिया है मेरा घर वाला कैंसर होके मरिया है बड़ा कुछ है अजां ताई आधार पधार चढ़िया पियागा कुछ सुनाई कोई नहीं करदा पियागा संगू आखदे पए ने चंगी है वधिया रोटी खांदी शाम नूं पकदी सवेरे नहीं पकदी मार दी कसम लगे जो ये झूठ मार दे सवेरे पकदी शाम नूं सवेरे दवाई ते लगदे पए ने जो पैसा आंदा पिया दवाई ते लगदा पिया सिर ते साई नहीं हैगा करा ते की करा मकान हैगा कोठे मैं की करा मकाना नूं की करा ज्यादा रोटी नहीं पल्ले नहीं हैगी खान नूं नहीं दवाई नहीं काम काज फिर की करदे हो? काम कर की मैं लीरां बेचदी हां लीरां दा काम करदी हां आप कपड़िया दा पुराने कपड़े लैके काम करदी हां दिहाड़ी करनी हां धप्पा करदी हां की करा बुढ़ी की करती है रुजगार दा कोई होर साधन कोई नहीं कोई साधन नहीं है आप मेहनत करके आप पूरा करके खानी है मेहनत करके गुड़िया जी ने अपना दुख दसया है कि असि झूठ नहीं बोल रहे सारे ने अपनी अखी देख लिया कि किवें इन्हें औखे है देख लो कोई झूठ होवे ते इन्हां दा जिहड़ा दुख तकलीफ है वह सामने निकल के आ रहा है और सानू भी देख के हैरानी हो रही है कि पंजाब दा जिहा चंडीगढ़ बस्ती जिहड़ी है वह इन्नी दुखां तकलीफां दे नाल झंबी पई है लोग इन्ने दुखी है फिर क्यों नहीं इन्हां दे हल कीते जांदे हर साल जदों भी किसी भी तरह का छोटे तो लैके वड्डे तक चाहे देश की पार्लीमेंट का इलैक्शन होवे चाहे पंचायत का होवे उदों ये वोट पाउंदे आ पर वोट के बदले इन्हां नूं सहूलतां नहीं मिलदियां। असी तुहानूं दिखा रहे हैं इस पिंड दीआं तस्वीरां कि किवें लोग ने जिहड़े पूरी तरह दुखी ने और एक घर दे विच इक कमरे दे विच किन्ने ही जी जिहड़े आ उह गुजारा करदे आ। हुण असी अगे चलदे हां तुहानूं दिखावांगे मैं मसा गुजारा करना मेरा मकान कदे डिगन नाल होया पिया मेरे को सुनाई नहीं करता कदे मेरे को दिहाड़ी लगती कदे नहीं लगती कदे 10 बटींदे कदे 100 बटींदे है तो मैं अज महीना हो गया मैं मकान डिग के कच्चा मकान बिल्कुल खड़ा है असी सरकार को गुजारिश करने को साड़ी गरीब की सुनाई की जाए।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੰਧਾ ਕੋਲੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ, ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਆ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਮਿਲੂ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਸਤੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਮ ਨਾਲਾ ਵਗਦਾ ਔਰ ਸੇਮ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਫਲੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੇਮ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਸੀ ਨਵੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਨਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਲਾਦੂ ਕਾ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ।